कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज बनाएंगे। बहुत मज़े की बनती हैं, बड़ी क्रिस्पी सी बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखें, 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, ऐड कर रही हूँ। इसको हम हल्का सा सोटे करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई भी सब्ज़ियाँ हमने ओवर कुक नहीं करनी है, सब क्रंची सी रखनी है क्योंकि हमारा रमज़ान स्पेशल चल रहा है। इसको आप बना के और फ्रीज कर लें और इसको आप अफ्तारी में जब चाहें तले। 3 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिलीज का बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसके अंदर, इसको आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। सब्जी इसके अंदर ओवर कुक नहीं करनी है, बस जल्दी जल्दी हम पकाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया था, चिकन ब्रेस्ट का पीस था जिसको मैंने बॉईल करके मोटा मोटा मैश कर लिया है। बहुत ज्यादा फाइन मैश नहीं करें वरना फिर वो मजा नहीं आता, मुंह में आना चाहिए चिकन के पीस। ये देखें कैबेज, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया था, थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये चीज़ें आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर लें। कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, कैरेट, सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी सब्जियाँ ऐड करना चाहें, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक कितनी डालना है और कौन सी डालनी है ये आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर, क्रश चिली पाउडर, नमक ऐड किया है मैंने, जीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ऐड किया है। अब मैं थोड़ा इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून सोया सॉस। नमक इसलिए मैंने कम डाला था कि सोया सॉस में भी नमक होता है अच्छा। अब मैं इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून, से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है, इसको हम उतार लेंगे। बस हमारा बिल्कुल रेडी है ये, बहुत ज्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है इसको। बस हो गया हमारा ये, फ्लेम मैंने बंद कर दी है, थोड़ा सा ऐसे चला रही हूँ, उसको ठंडा हो जाएगा ये जरा सा, फिर हम इसको रैप करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 3-4 मिनट वॉच करें, फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। देखिए समोसे की पट्टियाँ हैं, दोनों मैंने इस तरह से क्रॉस में रखी हैं। अब इसके ऊपर हम ये बैटर रखेंगे और ये चीज़ है मोज़रेला चीज़, इसके ऊपर रख रही हूँ मैं। चीज़ से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने मैदा घोल के रखा था, ब्रश से हम इसको लगा लेंगे ताकि अच्छे से लगा लेंगे कोने। खास तौर से आप इसको दबा के प्रेस करके करें ताकि ये आपके तलने के अंदर खुल ना जाए। देखें इस तरह से हम सारी अपनी बॉक्स पेटीज तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से हम बनाएंगे। हमारी रेडी हो गई है। अब ये मैंने 2 अंडे बीट करके रखे थे, इसको मैं अंडे में डिप करूंगी, ब्रेड क्रम में डिप कोट करूंगी। फिर देखिए इस तरह से हम इसको डिप कर लेंगे, अच्छे से इसको डिप कर लें और ब्रेड क्रम में इसको अच्छे से कोट कर लें, प्रेस कर करके इस तरह से ताकि अच्छे से हो जाए। इसको आप बना के फ्रीज कर लें आराम से और जब आपका दिल चाहे निकालें और आप तलें इसको।
बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। देखिए मैंने बना के रख दिए थे इसको थोड़ी देर फ्रिज में, अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। नहीं चीज़ी इतने मज़े के बनते हैं ये, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। वीडियो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट वॉच किया करें फिर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी से चिकन चीज़ बॉक्स पेटीज तैयार हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट से होते हैं। रमज़ान में ही नहीं वैसे भी आप बना के इसको रख लें आराम से, जब आपके गेस्ट आएँ आप तलें उनको सर्व करें। इंस्टाग्राम को भी फॉलो